सभापति महोदय, आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर इस सदन में चर्चा हो रही है। चर्चा में सरकार का पक्ष और विपक्ष दोनों हम सुन रहे हैं। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। मेघालय का एक गांव जो बांग्लादेश भारत के बॉर्डर पर है, कोंगथांग, इसे मैंने गोद लिया। जब मैं उस गांव में गया तो वहां राजनीतिक गतिविधियां नहीं थी, ना कांग्रेस थी, ना भारतीय जनता पार्टी थी, ना नेशनल पीपुल्स पार्टी थी। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि गांव के लोगों का विचार जानने के लिए कोई राजनीतिक दबाव उन पर नहीं था, राजनीतिक प्रभाव नहीं था। अभी मैं 3 दिन पहले फिर उस गांव में गया, गांव के लोगों से चर्चा हुई, वे खासी बोलते हैं। मैंने पूछा कि आपको क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से चीजें मिलती हैं, तो चावल को खासी में खाओ बोलते हैं। उन्होंने बोला खाओ मोदी, यानी मोदी का चावल हम तक पहुंच रहा है। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित उस गांव में जहां पर कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं है, जो लोग आजादी के बाद 7 दशकों से भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनना चाहते थे, हिस्सा बने हुए थे, लेकिन भारतीय गणतंत्र वहां तक नहीं पहुंच रहा था, इसलिए नरेंद्र मोदी जी के शासन को, नरेंद्र मोदी जी को जानना है तो दिल्ली मुंबई कलकत्ता से बाहर निकलकर कोंगथांग कालाहांडी जाना पड़ेगा और वहां जाकर नरेंद्र मोदी की क्या शख्सियत है इसे समझना पड़ेगा। अब तक गणतंत्र के साथ तंत्र हावी था, गण नीचे था। मैं एक ऐसी घटना का जिक्र करना चाहता हूं जिसने पूरे देश में एक अधिष्ठान परिवर्तन कर दिया। कहा जाता है कि चावल का एक दाना, पके हुए और कच्चे चावल का की प्रकृति बताता है। इस देश में 1954 में पद्म अवार्ड शुरू किया गया था। क्या दूसरे नंबर पर बुलाना? यह उस स्थिति में शुरू किया गया था जब संविधान सभा ने राय बहादुर और खान बहादुर के टाइटल को समाप्त कर दिया था। फंडामेंटल राइट्स में 16(1) लागू करके हमारे बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन 1954 में हमारी सरकार ने सोचा कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में ऐसा काम करते हैं जिससे समाज का हित हो, राष्ट्र का हित हो, राष्ट्र का संवर्धन हो, ऐसे लोगों को टाइटल नहीं अवार्ड देना चाहिए। लेकिन 55 से लेकर 1969 तक जो हुआ, मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, टिप्पणी करना अनुचित होगा। उसके कारण कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 15 साल रहे महासचिव और सोशलिस्ट नेता जेबी कृपलानी को 1969 में पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाना पड़ा, प्राइवेट मेंबर बिल लाना पड़ा, कंफर्मेंट ऑफ डेकोरेशन ऑफ पर्सन एवोल्यूशन अवार्ड, एवोल्यूशन बिल। उन्होंने तर्क दिया निजी प्रतिबद्धता, राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर आप लोगों को यह अवार्ड देते हैं जो कि इस देश का अपमान है, इस देश के नागरिकों का अपमान है। यद्यपि बिल डिफीट हुआ, लेकिन परंपराएं चलती रहे। निजी प्रतिबद्धता और निजी आकांक्षाओं, निजी संबंधों के आधार पर अवार्ड देते रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, जो परिवर्तन हुआ वह परिवर्तन यदि विपक्ष के दिल को नहीं छू रहा है तो मैं मानूंगा वह संवेदनशील दिल है। यह वह पार्लियामेंट है जिस पार्लियामेंट में कम्युनिस्ट पार्टी के भूपेश गुप्ता, जब प्रधानमंत्री अच्छा काम नेहरू जी कर रहे थे तो भूपेश गुप्ता जी ने नेहरू जी की प्रशंसा करनी शुरू कर दी, तो इतनी प्रशंसा विपक्ष ने की कि गंगा शरण सिंह जी कांग्रेस के थे, नेहरू जी के मित्र थे, उन्होंने कहा था कि हमारे पास विष्णु सहस्त्र नाम है, दूसरा नेहरू सहस्त्र नाम की जरूरत नहीं। यह विपक्ष और सरकार का संबंध होता था। जहां सरकारें गलत करेंगे वहां आप आलोचना कीजिए, हम आलोचना स्वीकार करेंगे, लेकिन जहां सरकारें राष्ट्र की अस्मिता को स्थापित करती हैं, गणतंत्र को पुनः
रिसरेक्ट करती है, वहां पर अब सरकार को कटघरे में खड़ा। ये लक्ष्मी कुट्टी जी कौन है केरल की? ये चुटनी देवी जी कौन है? ये राधे देवी मणिपुर की कौन है? ये पप्पा मल तमिलनाडु की कौन है? ये राधे देवी, चुटनी देवी, पप्पा मल देवी और बिहार का दिलीप कुमार सिंह, 92 साल की आयु है, 92 ईयर्स की आयु है। 1954 में विदेश से स्वास्थ्य की शिक्षा लेकर आए और जीवन भर गांव में गरीबों की सेवा करते रहे। अपनी मेडिकल की उपाधियों को उन्होंने पैसे अर्जन में नहीं दिया। भारत का गणतंत्र नई दिल्ली उस भागलपुर के दिलीप कुमार सिंह में 2021 में पहुंची। लक्ष्मी कुट्टी जी के पास 2016 में पहुंची। तो तंत्र जो गण पर हावी था, अब गणतंत्र पर हावी है। यह नरेंद्र मोदी जी का वह अधिष्ठान परिवर्तन है जिसे विपक्ष को सराहना चाहिए। ऐसे अनेक उदाहरण है, मैं तो सिर्फ चावल के दाने आपको दे रहा हूं। यदि आप महिलाओं से जाकर देखिए, एक ही दाना निकालकर देखते हैं चावल पका है या नहीं पका। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं इस विपक्ष की पर, मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। इस समकालीन विपक्ष की स्थिति क्या है? डार्क ट्रूथ एंड व्हाइट लाइस। आप उस सिम्टम से निकलिए। जब तक आप डार्क ट्रूथ में फंसे रहेंगे और व्हाइट लाइज बोलते रहेंगे, जनता में आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो रही है। आप हमें लोकतंत्र की शिक्षा दे रहे हैं। बार बार कहा जा रहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बुद्धिजीवियों को जेल के अंदर डाला जा रहा है। मैं थोड़ा सा आईना दिखा देता हूं। मैं इमरजेंसी की बात नहीं करूंगा, वो तो सब हम जानते हैं। आजादी के बाद 1958 में पहला कानून क्या बना? 1958 में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। 1979 में क्या बना? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। 1971 में क्या बना जो हम सब जानते हैं? मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। 1980 में क्या बना? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। 1985 में क्या बना? टाडा। और ज्ञानी जय सिंह जी देर नहीं होते। मैं अपने पूर्व राष्ट्रपति माननीय ज्ञानी जय सिंह जी को नतमस्तक होना चाहता हूं। उन्होंने अपनी ही सरकार के पोस्टल बिल अमेंडमेंट को रोक दिया, जिसमें राजीव गांधी जी की सरकार कह रही थी कि हम पोस्ट ऑफिस से गुजरने वाली हर चिट्ठी को पढ़ने का अधिकार रखते हैं। फिर से लाने की कोशिश की। और आप हमें कह रहे हैं टाडा के अंतर्गत 53,000 लोगों को जेल में डाला गया, 53,000 लोगों को। 7 साल बाद सिर्फ 434 लोगों को सजा मिली थी। एक और घटना का जिक्र करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। 1949 की घटना है। हम सब ने तीसरी कसम फिल्म देखी होगी, मैं तो नहीं देखा लेकिन मैं जानता हूं। उसके गायक हैं मजहूर सुल्तानपुरी। और दुनिया बनाने वाले, तूने कैसी दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई, ये गाना कहां लिखा गया? ये जेल के अंदर गाना लिखा गया। राज कपूर मजहूर सुल्तानपुरी से जेल के अंदर गए गाना लिखवाने के लिए। क्या हुआ था? बंबई के मिल मजदूरों के बीच में भाषण करते हुए मजहूर सुल्तानपुरी ने सिर्फ यही तो आलोचना की थी कॉमनवेल्थ के की सदस्यता आप क्यों ले रहे हैं। तब जनसंघ से लेकर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सहमति थी कि उपनिवेशवादी शासन के अंतर्गत जब हम रहे हैं हम कॉमनवेल्थ के सदस्य नहीं बनेंगे। मजहूर सुल्तानपुरी ने तो यही कहा था। मन में जहर डॉलर का लेकर, मन में जहर डॉलर का बसा है, यही तो कहा था। कॉमनवेल्थ की गुलामी करते हो। उनको 2 साल जेल के अंदर रख दिया गया था, मजहूर सुल्तानपुरी को। और तभी राज कपूर उनके पास गए, इसलिए उनके घर की हालत खराब थी। उसमें गायक को 250 रुपए दे जाते थे कि जाओ एक गाना लिख दो। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत की बात यूनाइटेड नेशन कर रहा है। 150 देश के राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं कि कोविड नेशनलिज्म से बाहर निकलकर आप कोविड ग्लोबलिज्म में चले गए।
हम चाहते तो कोविड के वैक्सीन का उपयोग व्यापार के लिए कर सकते थे, हम डिप्लोमेसी के लिए कर सकते थे, लेकिन मानवीयता के सवाल पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार डिप्लोमेसी नहीं करती है, स्वार्थ नहीं करती है। हम स्वार्थ और डिप्लोमेसी से ऊपर उठकर अपना काम करते हैं। मैं एक और आगे बढ़ना चाहता हूं, कैसे अधिष्ठान परिवर्तन हुआ है। 1931 में 20 अक्टूबर 1931 को महात्मा गांधी ने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में एक भाषण दिया था लंदन में, जिसमें उन्होंने कहा था जब ब्रिटेन भारत में आया तो चीजों को एज इट इज रखने की जगह उसने क्या किया, दे स्टार्टेड स्क्रैचिंग द सॉइल एंड लुकिंग एट द रूट्स, और क्या हुआ, दे लेफ्ट द रूट्स एज दे वर एंड द ब्यूटीफुल ट्री पेरिश्ड। उन्होंने भारतीय शिक्षा के बारे में बताया था कैसे एक सुंदर वृक्ष को ब्रिटेन ने समाप्त कर दिया। उसी साल 1931 में बंगाल में आशुतोष मेमोरियल लेक्चर हुआ। कृष्णचंद्र भट्टाचार्य जी ने कहा था कि जब तक आइडियाज इन स्वराज, स्वराज इन आइडियाज नहीं होगा, विचारों का स्वराज नहीं होगा, तब तक देश स्वतंत्र नहीं हो सकता। गुलामी किस प्रकार से विचारों और संस्कृति में आती है उसका उन्होंने विवेचन किया था, भाषा के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, विचारों के द्वारा। ये 31 के दो भाषण हैं, एक तरफ गांधी जी लंदन में, दूसरी तरफ आशुतोष मेमोरियल लेक्चर कोलकाता में। क्या हुआ, आजादी मिली, हम सब जानते हैं, आप सोशल साइंस की किताबों को ढूंढ लीजिए, राजनीतिज्ञों का भाषण सुन लीजिए, यूरोसेंट्रिक पॉलिटिक्स, यूरोसेंट्रिक विचार हमारे समाज अध्ययन को डोमिनेट करता रहा है। हम समाज अध्ययन में, हम विचारों के क्षेत्र में यूरोप की गुलामी करते रहे। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुन लीजिए, उनके सारे मन की बात सुन लीजिए, पार्लियामेंट के स्पीच को सुन लीजिए। इन्होंने पहली बार यूरोसेंट्रिज्म को गुड बाय कहा, पूरा भाषण इंडिया सेंट्रिक है, भारतीय संस्कृति के सेंट्रिक है, भारत के संसाधनों से जो बौद्धिकता आती है उसे उन्होंने देश दुनिया को बताने की कोशिश की है। क्या यह अधिष्ठान परिवर्तन नहीं है, क्या हम आजादी की दूसरी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जब विचारों की स्वतंत्रता के लिए भारत 130 करोड़ जनता कदम बढ़ा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए, मैं उस मॉडर्निटी की बात नहीं करूंगा, चूंकि आनंद शर्मा जी तुरंत कहेंगे उनको अब संसद में लाइए, मैं उनको अब संसद में कहां सताऊंगा, मैं उनकी मॉडर्निटी की बात नहीं कर रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो आधुनिकता की परिभाषा है उस परिभाषा में मैं बताना चाहता हूं, डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड, डी यूरोपियनाइजेशन ऑफ आइडियाज, डी यूरोपियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। इन तीन बातों को लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, उसका मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का नई शिक्षा पद्धति में गठन किया गया है। 1775 में एडम फर्गसन ने, माननीय राकेश जी बस एक मिनट में खत्म करें, एडम फर्गसन ने मैकफर्सन को कहा था, अपना शिष्य था मैकफर्सन का, गो टू इंडिया टू डिस्कवर, टू कलेक्ट एंड टू ट्रांसलेट द इंडियन लिटरेचर। 1775 से लेकर 2020 तक हम यूरोप के द्वारा ट्रांसलेटेड, यूरोप के द्वारा शोध किए हुए चीजों को पढ़ते रहे, लिखते रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। आज पहली बार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में अपनी भाषाओं को, अपनी संस्कृति को अनुवाद करना, उन पर शोध करना, यह भारत की नई परंपरा बनी है। बस मैं एक चीज के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं, सभापति महोदय, एक बात विपक्ष को समझ लेना चाहिए। संजय सिंह जी उस दिन बोल रहे थे, कंक्लूड करें, आपका समय खत्म हो गया, पार्टी के अंदर से समय जाएगा, आप अपने दूसरे कलीग का समय लेंगे जैसा माननीय चेयरमैन ने कहा। कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा। तो क्या कहा संजय सिंह जी ने, कहा रिपब्लिक डे की बात कर रहे थे, 2014 को 20 जनवरी को किसने कहा था हम गणतंत्र दिवस को डिसरप्ट करेंगे। मैं उनके लिए कविता कहना चाहता हूं, मैं टूटा तो सब टूटेगा, मैं टूटा तो सब टूटेगा, जो कुछ भी है वह भी छूटेगा, मैं हूं तो आजाद वतन है, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं।
इसलिए कृपया करके ऐसी राजनीति मत कीजिए जो गणतंत्र पर सवाल हो, ऐसी राजनीति मत कीजिए जो भारत की अस्मिता पर सवाल हो, ऐसी राजनीति मत कीजिए। धन्यवाद राकेश जी, पर सवाल हो। धन्यवाद। ABP News आपको रखे आगे।